हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मिस्टर एमडी है का मैं आपको इसमें आज बताऊँगा कि आप कैसे बना सकते हैं ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल सिंपल तरीके से। उसके अंदर हम एक पेंसिल बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे, उसके अंदर एक केस बनाएंगे पेंसिल बॉक्स और एक फिर हम उसके अंदर तीन स्पीकर कनेक्ट करेंगे। बिल्कुल बढ़िया क्लियर और लाउड आवाज़ आती है। और इसके अंदर आपको ब्लूटूथ के अंदर वॉल्यूम अप डाउन करने का ऑप्शन मिलेगा। और इसके अंदर आपको बैटरी बैकअप भी आराम से 2.5 से 3 घंटे का अच्छा खासा बैटरी बैकअप मिलेगा। आपको इसके अंदर इनबिल्ट माइक भी मिलेगा। चलिए मैं आपको बनाना बताता हूँ। अब शुरू करते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। अब आपको ब्लूटूथ स्पीकर बनाने के लिए सिंपली ये देख सकते हैं, ये बॉक्स है, ये मेरे पास है पेंसिल बॉक्स है। अब हमें लेना है ये बॉक्स, ले लेंगे और तीन स्पीकर चाहिए। आप देख सकते हैं मेरे पास ये तीन स्पीकर, तो हम तीन स्पीकर यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे इस जगह में। 1 2 3 मेजरमेंट करके फिर इस साइड अंदर की साइड यूँ लगा देंगे यहाँ पे। फिर हॉट ग्लू की मदद से इसके अंदर चिपका देंगे ऐसे यहाँ पे तीनों ऐसे। ये दोनों है ना, ये वाला और ये वाला, दोनों के स्पीकर का बेस अच्छा था तो मैंने एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड दोनों लगा रखे हैं। और बीच में इसका भी साउंड अच्छा है पर ये क्या है, ट्विटर की तरह काम करेगा एक, और ये दोनों बेस की तरह और बढ़िया तीनों बढ़िया साउंड देंगे। आवाज़ क्वालिटी अच्छी है इन तीनों की। और यहाँ पे भी हम होल कर देंगे अकॉर्डिंग, ये जहाँ पे ये होगा ना स्पीकर के मैग्नेट उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे होल कर देंगे। पहले हम यहाँ पे इसको चिपका लेंगे कहाँ पे स्पीकर हो गया सेट होगा, फिर बताता हूँ आपको। अब आप देख सकते हैं मैंने स्पीकर तीनों एज इट इज़ रख दिए हैं और यहाँ पे पेंसिल की मदद से मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया है। मैंने यहाँ पे मेजरमेंट ले लिया, देख सकते हो मैंने तीनों सर्कल के मेजरमेंट ले लिए। मैं क्या करूँगा, एक पेचकस ले लूँगा, इसको मैं गर्म करके यहाँ पे होल निकाल दूँगा, जिससे क्या होगा इस जगह से साउंड बाहर आएगा, स्पीकर बाहर दिखेगा भी नहीं और इससे बढ़िया दिखेगा। ये देख सकते हैं मैंने ये स्पीकर के नीचे ऐसे होल कर लिए हैं, एकदम बढ़िया तरीके से होल है। आपको एक ओपन करके बताऊँ, मेरे को इसको करने में कम से कम 15 से 20 मिनट लग गए थे इसको करने में। वही देख सकते हैं ये आसानी से इस जगह फिट आ जाएंगे। फिर मैं यहाँ पर हॉट ग्लू लगा दूँगा, ये सिंपली यहाँ फिट आ गए। और मैं यहाँ पे हॉट ग्लू की मदद से इसको चिपका दूँगा, देख सकते हैं आप। मैं इसके बाद हॉट ग्लू लगा के फिर आपको बताता हूँ। और आप देख सकते हो ना इसको अच्छे स्पीकर्स को अच्छी तरह फिट कर दिया, कितना बढ़िया लग रहा है एकदम। आपको ओपन करके बताऊँ, देख सकते हैं आप कितना बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पर मैंने होल निकाल दिया जिससे ये एज इट इज़ इसके अंदर आ जाता है आराम बढ़िया तरीके से। आपको ओपन भी करके बताता हूँ, देख सकते हैं ये बाहर आ गया। अब मैं ले लूँगा और आपको चाहिए एक चिप चाहिए छोटी सी, ये मेरे पास है PM8403 वाली चिप है। इसका मैं आपको कनेक्शन बता देता हूँ, चिप है मेरे हाथ में, देख सकते हैं ये लेफ्ट वाला, ये ग्राउंड वाला और ये राइट वाला। मैं तीनों को ऐसे कैसे कनेक्ट कर दूँगा, सोल्डरिंग कर दूँगा। और मैंने दो वायर ले लिए हैं, ये वाइट वाला है, ये पॉजिटिव वाला और ये ब्लैक वाला है नेगेटिव वाला। मैं यहाँ पे इस दोनों को ऐसे सोल्डरिंग कर दूँगा। और यहाँ पे मैंने दो वायर और ले लिए हैं, तो कोई सा भी एक लेफ्ट वाला है राइट वाले चैनल में कनेक्ट कर दूँगा दोनों वायरों को ऐसे इस जगह, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव वाला है दोनों स्पीकर के वायर यहाँ पे सोल्डरिंग कर दूँगा। फटाफट सोल्डरिंग करके बताता हूँ आपको। आप देख सकते हो मैंने कनेक्शन कर दिए हैं, ये लेफ्ट वाला, ये ग्राउंड वाला और ये राइट वाला। ये यहाँ पे हमें पावर देनी पड़ेगी, DC 5 वोल्ट करंट देना पड़ेगा। यहाँ पे ये पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव वाला है और यहाँ से लेफ्ट राइट स्पीकर कनेक्ट हो जाएंगे, तो उसके कनेक्शन है सिंपली। ये देख सकते हैं आपको इस चिप से अच्छे से कनेक्ट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, वायर को ऐसे देख सकते हैं इसको अच्छे से टर्न करके इसके ऊपर से होल है ना वहाँ से निकाल के इसको यूँ फोल्ड कर देना है, देख सकते हैं आप। इसको ऊपर यहाँ से सोल्डिंग कर दें और ऐसे हमने करा है, देख सकते हैं। और यहाँ से हम वायर काट देंगे इसको, तो आप देख सकते हैं अच्छे तरह इसको काट वाट दिया। अब बस इसकी वायरिंग वगैरह करनी रह गई है। अब मैं आपको एक बार कनेक्शन बताता हूँ, ये लेफ्ट, ये ग्राउंड, ये राइट और ये 5 वोल्ट हमें करंट देना पड़ेगा, पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव वाला। और यहाँ पे लेफ्ट वाला आउटपुट है स्पीकर का, ये राइट वाला है, यानी कि आप दो स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने एक ही स्पीकर कनेक्ट कराया क्योंकि अपन तीन ही की ज़रूरत है और इधर दो कनेक्ट कर लिए हैं, तो ये लेफ्ट, ये वाला लेफ्ट और इसका लेफ्ट, ये दोनों कनेक्ट कर दूंगा एक साथ। और ये ग्राउंड वाला और इसका ग्राउंड वाला दोनों एक साथ कनेक्ट कर दूंगा। और ये वाला राइट वाला और इसका राइट दोनों एक साथ कनेक्ट कर दूंगा।
वही इस चिप का और इस चिप का जो हमें डीसी करंट देना है ना, प्लस माइनस, ये पॉजिटिव वाला और ये पॉजिटिव वाला दोनों एक साथ कनेक्ट कर दूंगा, और ये नेगेटिव वाला और इसका नेगेटिव वाला दोनों एक साथ कनेक्ट कर दूंगा, और ये स्पीकर का एक स्पीकर वाला वायर इधर लगा दूंगा, ये दूसरे चैनल वाला इधर लगा दूंगा, और ये जो तीसरा वाला है ये इधर कनेक्ट कर, देख सकते हैं मैंने तीनों स्पीकर के वायर कनेक्ट कर दिए हैं, स्पीकर देख सकते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। अब मैं आपको बताता हूँ, अब मैं आपको एक बार कनेक्शन बता देता हूँ, ये देख सकते हैं दोनों चिप है ये, तो इसका लेफ्ट वाला और इसका लेफ्ट वाला, और ये ग्राउंड वाला, ग्राउंड वाला, ये राइट वाला, ये राइट वाला, और इसका पॉजिटिव वाला, इसका भी पॉजिटिव वाला और इसका नेगेटिव वाला। हमने एज इट इज़ दोनों वायर्स को ऐसे कनेक्ट कर दिया इसके अंदर, और स्पीकर के वायर आ रहे हैं, ये वाला स्पीकर इस वाले चैनल का, ये एक है और एक चैनल, क्योंकि इसमें दो चैनल कनेक्ट हो जाते हैं तो मैंने एक ही कनेक्ट करा, क्योंकि तीन स्पीकर कनेक्ट है, और इसके अंदर एक स्पीकर का वायर ये रहा, एक का ये रहा, तो दोनों ऐसे स्पीकर कनेक्ट कर रखा हूँ। अब यहाँ पे 5 वोल्ट के डीसी करंट देना पड़ेगा, और यहाँ पे हमें लेफ्ट, राइट, ग्राउंड और तीनों वायर कनेक्ट करने पड़ेंगे, जिससे हम ऑक्स केबल वगैरह, मैं ब्लूटूथ कनेक्ट करूँगा इस जगह, फिर मैं आपको निकले। सिंपली आपको लेना है ये, ये है ब्लूटूथ ईयरफोन आते हैं, ये आप लोकल मार्केट से खरीदेंगे तो आपको, ये मैंने ख़रीदा है, ये 100 रुपये के अंदर ख़रीदा है, तो आपको भी 80 से 100 रुपये के बीच में ही लेना है, देख सकते हैं आप। सिंपली क्या काम का है, हमारे ईयरफोन काम का नहीं है, सिंपली हमारे पास ये बॉक्स है, नहीं काम का है। इसके अंदर क्या है कि माइक भी सपोर्टेबल है, इसके अंदर बैटरी भी रिचार्जेबल वगैरह सब है, ये हमारा काम का है। इसको सिंपली हम ओपन कर लेंगे, मैं क्या करूँगा, ये है ना, ये ईयरफोन वाले वायर, तो इनको हटा दूंगा मैं, सोल्डरिंग हो रही है ना इस जगह, ये दोनों वायर हटा दूंगा इस जगह से, इस जगह से, खाली ये बैटरी वाला वायर इसके अंदर लगे रहने दूंगा, मैं इसको हटा दूंगा और फिर मैं बताता हूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने दोनों ईयरफोन निकाल लिए हैं सोल्डरिंग की मदद से, इसको हटा दिए हैं वायर। अब आप देख सकते हैं ये राइट वाले का पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला है, और ये ऊपर वाला लेफ्ट वाले का पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव वाला है, ये लेफ्ट वाला है, ये राइट वाला है यानी कि पॉजिटिव वाला, और जो राइट का नेगेटिव और लेफ्ट का नेगेटिव है वो ग्राउंड वाला वायर है, तो मैं ऐसे वायरिंग कर लूँगा। देख सकते हैं सोल्डरिंग कर दी है, देख सकते हैं लेफ्ट वाले का पॉजिटिव वाला और ये राइट वाला है, इसका पॉजिटिव वाला और ये ग्राउंड वाला यानी कि नेगेटिव वाला। अगर आप लेफ्ट वाले में भी ग्राउंड वाला वायर कनेक्ट कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने एक ही वायर ग्राउंड वाला वायर कनेक्ट कर दिया है, देख सकते हैं राइट वाले का ही नेगेटिव वाला। अब मैं क्या करूँगा, और आप देख सकते हैं ये वही ब्लूटूथ है जो अभी हमने रेडी करी थी, लेफ्ट ग्राउंड और राइट वाला वायर जोड़ा था। अब जहाँ पे ये क्या हुआ, ये बैटरी थी ना, देख सकते हैं बैटरी, ये देख सकते हैं फूल गई है, देख सकते हैं बैटरी ख़राब हो गई है। मैं क्या करूँगा, दूसरी बैटरी ले लूँगा, मैं क्या है, छोटी वाली बैटरी नहीं है, बड़ी बैटरी है, तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। बस ये नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला, मैंने ये वायर निकाल लिया है, देख सकते हैं पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव वाला, और ये लेफ्ट वाला है, और ये राइट वाला, ये ग्राउंड वाला वायर। अब मैं इसको एज इट इज के अंदर पैक कर दूंगा, फिर आपको बताता हूँ। और आप देख सकते हैं मैंने इसको पीछे से अच्छे से टेप वगैरह से रैप कर लिया, यहाँ से ये चार्जिंग हो जाएगा, और यहाँ से माइक वगैरह सपोर्टेबल है, और यहाँ से ऑन ऑफ वगैरह और आगे पीछे कर सकते हैं, तो अपन को जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार ऑन कर देंगे। मैं क्या करूँगा, सिंपली इस जगह इसको चिपका दूंगा यहाँ पे, और यहाँ से होल्ड कर दूंगा, जिससे आप चार्जिंग करने में कोई दिक्कत ना आए, तो इधर से हम चार्ज कर सकते हैं। और इसकी ये बैटरी है ब्लूटूथ की, तो इस जगह आराम से फिट हो जाएगी, देख सकते हैं फिट हो गई है। और एक मैं ले लूँगा मेल फीमेल कनेक्टर है, ये मेल फीमेल कनेक्टर ले लूँगा। इससे क्या होगा, ये एम्पलीफायर की चिप है ना हमारी, तो अभी क्या होगा, इसमें जगह तो है नहीं, तो मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, डीसी करंट है ना चार्जर की मदद से, तो यहाँ कनेक्ट करके डायरेक्ट इसके अंदर 5 वोल्ट डीसी करंट दे दूँगा, जिससे क्या है एम्पलीफायर चलेगा और ये बैटरी से ब्लूटूथ चलेगा। मैं फटाफट होल वगैरह कर लूँगा, और ये बेस की पावर वगैरह निकलेगी ना, तो इस जगह मैं होल कर लूँगा, यहाँ पे छोटे छोटे होल कर लूँगा इस जगह दोनों साइड, क्योंकि ये स्पीकर पावरफुल है दोनों, तो बढ़िया अच्छा खासा बेस की आवाज़ भी आएगी इधर से, इसलिए मैं फटाफट कर आपको करके बताता हूँ। और आप देख सकते हैं मैंने इस जगह होल कर लिया, यहाँ पे फीमेल कनेक्टर लग गया, इधर से हम ये चार्जिंग पोर्ट लगाएंगे ब्लूटूथ के लिए। और अब हम मैं पूरे कनेक्शन वगैरह कर लेता हूँ, मैं आपको बताया था एक बार, ये है ये लेफ्ट वाला है, और ये ग्राउंड वाला है, और ये राइट वाला है ब्लूटूथ का, और ये बैटरी के लिए पॉजिटिव नेगेटिव है, जो हम ये वाली बैटरी से कनेक्ट करके इस जल चिपका देंगे। और यहाँ पे ये तीन वायर है ना, लेफ्ट राइट ग्राउंड वाले, तो हम ये चिपके लेफ्ट राइट ग्राउंड है उससे कनेक्ट कर देंगे,
और ये जो चिपके पॉजिटिव और नेगेटिव वाला है ना, जिसका हम सप्लाई देंगे डीसी करंट, वो हम इधर इस वाले से कनेक्ट कर देंगे। ये फीमेल कनेक्टर है ना जो इधर कनेक्ट होगा, उससे कनेक्ट कर देंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह इसके कनेक्शन कर दिए हैं। यहाँ से हमें डीसी करंट की चार्जर की मदद से इसके यहाँ पे सप्लाई देनी पड़ेगी पावर की। ये सप्लाई आएगी इस चिप के अंदर, ये दोनों चिप है ना उसके अंदर आएगी, और ये बैटरी कनेक्शन आ रहा है इधर इसके अंदर ब्लूटूथ के अंदर आ रहा है, और यहाँ से ये स्पीकर के वायर वगैरह कनेक्ट है, बस इतना ही है। और यहाँ से हमने होल करा था जिसे यहाँ पे चार्जिंग इस बैटरी को चार्ज कर सके इसके अंदर से, और यहाँ पे हमने होल कर दिया है इस जगह, ये होल करा है जिससे लाइट जलती ना रेड और ब्लू कलर की, तो उससे हमें इंडिकेटर पता चल जाए कि अभी ये ऑन हुआ है ऑफ़ हुआ है, या फिर पावर इसके अंदर बैटरी चार्ज हो गई है नहीं हुई है। और यहाँ पे स्पीकर के बेस के लिए है, जिससे क्या होता है स्पीकर का बेस है ना वो यहाँ से इसकी हवा आराम से पास हो सके इसके लिए। और यहाँ पे ये यह मैंने बैटरी लगा दी इसलिए मैंने इस जगह होल नहीं करा है इसलिए। और अब हमें लेना है एक यूएसबी, ये हमारे पास चार्जर केबल आती है ना, देख सकते हैं आप ये वाली केबल है, उसके अंदर पीछे आप देख सकते हैं ये हमारा मेल कनेक्टर था ना, इस जगह लग गया, जो ये ऐसे लग जाएगा यहाँ पे, ये लग गया यहाँ पे। और यहाँ पे ये येलो और ग्रीन वायर कोई काम का नहीं है, खाली हमारा रेड वाला ये पॉजिटिव वाला और ये नेगेटिव वाला, बस एज इट इज़ इसका कनेक्ट कर देंगे। और अब हम एक चार्जर लेंगे, ये है मेरे पास, ये चार्जर है, हमें लेना है 2 एम्पियर 5 वोल्ट करंट का चार्जर लेना है, क्योंकि आप इससे कम एम्पियर का, अगर आप 1.5 एम्पियर या फिर 2 एम्पियर के आसपास लेंगे ना तो इसके अंदर बढ़िया क्लियर और लाउड आवाज़ आएगी। अगर आप कम एम्पियर का लेते हैं तो उसके अंदर क्या होता है क्लियरिटी कम हो जाती है, आवाज़ फटने लग जाती है, पर इसके अंदर आवाज़ फटती नहीं है बिल्कुल 2 एम्पियर का आप चार्जर लेने से, इसलिए मैंने बैटरी भी नहीं लगाई और इसके अंदर जगह भी नहीं थी, दोनों ही कारण थे इसलिए। अब बस इसको पैक करना है और ये हमारा रेडी हो गया। बस इसको कभी भी ऑन करना हो बस यहाँ से इसको दबा के रखो, मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। इसको टेस्ट करके बताऊँगा, देख सकते हैं रेडी हो गया एकदम बढ़िया तरीके से। यहाँ पे तीनों स्पीकर हैं। अब सिंपली एक काम रह गया है, बस मैं इसके यहाँ पे आगे की तरफ एक स्क्रू लगा दूँगा जिससे क्या है कि ये खुलेगा नहीं आगे वाला, और ये पीछे वाला हम ऑन करेंगे इस जगह से। ये मैं चाहता तो आगे भी लगा सकता था पर मैं लगाया नहीं, अब मैं ये मेल कनेक्टर कनेक्ट कर देता हूँ क्योंकि आगे जगह नहीं थी तो अच्छा नहीं लगता फिर। अब ये यूएसबी केबल थी, अब ये चार्जर के अंदर कनेक्ट कर दूँगा, और इसका ये ब्लूटूथ वाला ऑन है ना, इसको ऑन कर देता हूँ, देख सकते हैं पावर ऑन की आवाज़ आ गई। मैं इसको बंद कर दूँगा दूसरा, जो इसका ब्लूटूथ ऑन करके फिर कनेक्ट करता हूँ। अब देख सकते हैं कनेक्टेड की आवाज आ गई है। अब मैं आपको इसका सॉन्ग प्ले करके बताता हूँ। मैं आपको पॉज से प्ले भी करके बता रहा हूँ। देख सकते हैं इसी स्पीकर के अंदर से आवाज आई है और कहीं से कोई कनेक्ट हो गया नहीं। आप देख सकते हो एकदम बढ़िया क्लियर और लाउड आवाज है। अब आप देख सकते हैं स्पीकर रेडी हो चुका है, यहाँ पे 3 स्पीकर है, इसके अंदर बढ़िया क्लियर और लाउड भी आवाज आती है। और यहाँ से स्पीकर जहाँ पे कनेक्ट है वहाँ पे मैंने 3 स्क्रू की मदद से इसको कस दिया एकदम बढ़िया तरीके से, और मैं आपको एक बार ओपन, और यहाँ पे होल कर दिया जिसके अंदर आप यहाँ पे माइक से बात वगैरह कर सकते हैं, और यहाँ से चार्जिंग की लाइट वगैरह भी आपको दिख जाएगी। मैं आपको ओपन करके बता रहा हूँ, देख सकते हैं आप इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर जगह भी कम थी तो इसलिए मेरे को ये चार्जिंग के लिए यहाँ पे वो
फीमेल कनेक्टर लगाना पड़ा, इसलिए मेरे को यहाँ पे कनेक्टर लगाना पड़ा। अगर इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर पावर भी अच्छी खासी चाहिए होती है, इसके अंदर आपको 5 वोल्ट 2 एम्पीयर की आपको पावर चाहिए होती है, तो इसके अंदर बैटरी भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चाहिए। अगर इससे कम मतलब कम एम्पीयर की लेते हो, जैसे 1 एम्पीयर या फिर उससे नीचे की लेते हो ना आप बैटरी या फिर पावर सप्लाई, तो उसके अंदर क्या होता है कि आवाज़ फटने लग जाती है और ऐसे फिर क्वालिटी अच्छी नहीं आती है। तो फिर मैंने क्या करा कि चार्जर लिया जो 2 एम्पीयर का चार्जर था 5 वोल्ट DC करंट का, तो उसकी मदद से इसको चला, एकदम बढ़िया क्लियर और लाउड आवाज़ आ रही थी बिल्कुल, बहुत ही बिल्कुल सिंपल तरीके से। खाली एक बार इसको ऑन करना है और फिर इस बटन को ऐसे दबा के रखना है, फिर ऑटोमेटिक ब्लू कलर की लाइट चल जाएगी। आप देख सकते हैं ब्लू कलर की, यानी कि ब्लूटूथ ऑन हो गया, आपको यहाँ से भी दिख रही होगी, देख सकते हैं आप। और इसको ऐसे ही ऐसे दबा के रखे, ये बंद होगी, सिंपली ये बंद हो जाएगा। ये आराम से आप ऐसे ले जाके कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से रेडी हो गया है। अगर आपको प्रोडक्ट बाय करना है, जैसे कि ब्लूटूथ ईयरफोन हो गया, स्पीकर हो गया, मेल फीमेल कनेक्टर हो गया, PM8400 की चिप हो गई, तो इन सभी के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप लिंक पे क्लिक करके वहाँ से बाय कर सकते हैं। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।